56वीं स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ ने की नगर निगम में मीटिंग। रविवार को टाउन हॉल स्थित स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ ने कार्यालय नगर निगम में मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और महानगर अध्यक्ष महेंद्र सिंह द्वारा महानगर कार्यकारिणी का किया गया विस्तार, निहाल बाल्मीकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रवि कुमार उपाध्यक्ष, जय किशोर उपाध्यक्ष, विवेक मुल्तानी उपाध्यक्ष, रजत मुल्तानी मंत्री, मोनी कुमार मंत्री, अनिल कुमार कोषाध्यक्ष को नामित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए प्रांतीय मंत्री प्रेम बाबू बाल्मीकि ने कहा कि टीम का विस्तार हुआ है, ये सभी ईमानदार और मेहनती हैं और हम लोग नगर निगम अधिकारियों के साथ मिलकर मुरादाबाद को स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने का काम करेंगे। महानगर अध्यक्ष महेंद्र सिंह बाल्मीकि ने कहा कि अधिकारियों से मिलकर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर समाधान कराया जाएगा और अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महानगर की सफाई व्यवस्था को लेकर कार्य किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद प्रांतीय उपाध्यक्ष ओमीलाल बाल्मीकि, जिला अध्यक्ष सुनील लश्करी, श्याम कुमार साहू, अमित भारती, शेखर कुमार नंदू, अनिल लश्करी, हरिनंदन प्रसाद, विजय वीर सिंह, सचिन कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। आज जो कप्तान साहब के यहाँ मीटिंग हुई है, डीएम साहब के यहाँ, हमने नगर निगम की कोर खोली थी, वहां पर वो पूरी की पूरी बात नगर आयुक्त और अपर आयुक्त की जिम्मेदारी और हमारे खिलाफ अपर आयुक्त नगर आयुक्त को बताया गया। समाज का शोषण हो रहा है, समाज के लोगों को पदोन्नत होते सुना है, डिमोशन होते दिखे सर, नगर नगर निगम के अंदर डिमोशन किया गया है, किया जा रहा है, सफाई नायकों को सफाई कर्मचारी बनाया जा रहा है, उनकी चीजें कौन देखेगा, कौन उनके कार्य देखेगा, जब एक सफाई नायक के पास 20 से 25 लोग सफाई के लिए होते हैं, अगर उन्होंने कम से कम 8 लोगों को जो है सफाई नायक से सफाई कर्मचारी, अब उनके क्षेत्र की सफाई व्यवस्था करवानी थी। हमने कहा ना तो उनको कोई चेतावनी दी, ना उनको कोई वार्निंग दी, डायरेक्ट उनको सफाई कर्मचारी बना दिया गया, सफाई नायक, जो कि गलत है, उनके मान सम्मान से खेला जा रहा, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है जो मृतक कर्मचारी हैं संविदा के और आउटसोर्सिंग के, उन पर तुरंत नियुक्तियां होनी चाहिए। जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं उनकी जगह भर्ती होनी चाहिए और हमारे नगर निगम के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम में आया है, क्षेत्र का विकास हुआ है, उनमें सफाई कर्मचारियों की नगर निगम अपने स्तर से भर्ती करे, न कि किसी दलाल के माध्यम से। आपने देखा पिछले दिनों 42 नियुक्तियां हुई मुझे से किसी दलाल के माध्यम से, उसमें 1.5 लाख रुपया लिया गया और अधिकारियों को भी उसमें दिया गया और नेतागणों ने भी खूब खाया। हमने विरोध इतनी से नहीं करा, हमने कहा यार कर्मचारियों का मसला है, बड़े लोगों ने कर्ज उधार देके पैसा दिया है, विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वही हाल हो रहा है। फिर 22 से 24 लोग जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनकी जगह फाइल चल चुकी है और वो फाइल अपर नगर आयुक्त जी के यहाँ है। अब मुख्य मांगे क्या है आगे? अब हमारी मुख्य मांगे ये है जो नगर निगम में घोटाले, गड़बड़ और गलत काम हो रहे हैं, कर्मचारियों का शोषण हो गया है, उनको रोका जाए, उन सफाई नायकों को दूसरा के सफाई नायक बनाए जाए, समझे, और जो मृतक जगह है उनको भरा जाए, स्थायी मृतक आश्रित लोग हैं, स्थायी कर्मचारी हैं मृतक, उनकी जगह भर्ती की जाए स्थायी, तो ऐसा ना हो के केवल नगर निगम खाना पूर्ति करता है और कार्य नहीं कर पाता जो उसको कार्य करने चाहिए। संविदा का 2016 का एरियल है, वो एरियल मिलना चाहिए, एसीपी मिलना चाहिए कर्मचारियों को, एसीपी का भुगतान नहीं हो पा रहा, कर्मचारी धक्के खा रहा है, बाबू लोग मलाई खा रहे हैं, इससे हमें पीड़ा। किस किस की लापरवाही मानते हैं इसमें? इसमें हम नगर निगम अधिकारियों पूरी तरीके से इन्वॉल्व, और प्रेम बाबू स्पष्ट कहता है और उन्हें वो बात
डीएम साहब के सामने समक्ष कही थी वो पूरी की पूरी सीडी पूरी की पूरी जो है लाके और उनको अपर नगर आयुक्त को प्रस्तुत की गई उन नगर आयुक्त को, तो वो हमें अपना विरोधी समझते हैं जबकि हम उनके विरोधी नहीं है। हम कर्मचारी हित की बात करते हैं ना कि अपने निजी हित की बात करते हैं। प्रेम बाबू अपने निजी हित की बात नहीं करता, प्रेम बाबू समाज हित की बात करता है, समाज हित की बात करता रहेगा, उसकी आवाज को नहीं दबा।